स्विम करने के लिए हेल्प करते हैं उनको बैलेंस रखने के लिए हेल्प करते हैं एंड चेयर करने के लिए हेल्प करते हैं अर्थ क्विक इज नेचुरल सुनामी नेचुरल होती है फ्लड भी नेचुरल होती है बट ए फॉरेस्टेशन ए फॉरेस्टेशन आपका आर्टिफिशियल ए फॉरेस्टेशन मतलब ग्रोइंग ऑफ प्लांट हेलो एवरीवन सो दिस इज अर एजुकेटर श्रेया मैम एंड आई वेलकम दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल वीडियो फॉर यू ऑल सो इन दिस वीडियो आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर को अच्छे से डिस्कस इस क्वेश्चन पेपर से आपको पता चल जाएगा कि आपको अपना अपकमिंग साइंस का एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है एंड ये का क्वेश्चन पेपर है है जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है. हम इस क्वेश्चन पेपर को बहुत डिटेल में सॉल्व करेंगे एंड जानेंगे कि आपका कैसा पेपर रहने वाला है कितने मार्कर के कितने क्वेश्चन आएंगे कितने एमसीक्यूज आएंगे आपको कैसे उन मार्कर के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है हम इस पूरे पेपर को बहुत अच्छे से डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं so आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे एंड लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर सो ऐसा रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर ऐसा आएगा यहाँ पे आपको आपके बोर्ड से जो रोल नंबर दिया जाएगा आपको वो लिखना है ठीक है ये जैसे सेट ए है यहाँ पे आपको अपना डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन को फिल करना है एंड यहाँ पे आपके इनविजिलेटर्स जो होते हैं उनके सिग्नेचर्स आएंगे क्लियर उसके बाद ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको बेटा इंग्लिश में भी एंड हिंदी में भी गिवन ठीक है ये देखो ये भी आपके पास कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है हम इसको रीड करते हैं आपके पास

ठीक है। सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री मार्क्स के हैं, एंडी थ्री फाइव मार्क्स के हैं ठीक है। इन सब में आपको बीछ -बीछ में आपको बीच-बीच इंटरनल चॉइसेस गिवन होंगे जिसमें आपको और गिवन होगा उनमें से आपको कोई एक चूज करके आपको आंसर लिखना है ठीक है ये सेम आपको हिंदी में भी गिवन है चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आपको मेरे साथ साथ आंसर देने okay? अपने आपको पॉइंट्स देने ठीक है

क्लैक फॉर योर सेल्फ इट्स ऑप्शन डी लोग अपना थम भी यूज करते थे हैंड स्पैन भी यूज करते थे एंड फर्स्ट फिंगर का भी यूज करते थे टू मेजर वेरियस थिंग क्लियर उसके बाद एज पर रूल्स रूल्स के अकॉर्डिंग किस मास बॉडी को अच्छे से लिखा गया है ठीक है हंड्रेड एम जी हंड्रेड फिर गैप यहाँ पे एम जी हंड्रेड स्लैश एम जी ठीक है फिर हंड्रेड एम जी दिमाग लगाओ हंड्रेड एम जी करेक्ट सो ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन क्लियर चलो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज इनकरेक्ट मतलब अगर मैं आ, क्या बोलते हैं कंपाउंड्स की बात करूं तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इनकरेक्ट है ये जो आपको बोल्ड करके लिखा होता है ना इनकरेक्ट है ठीक है।, है या स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज इज फॉल्स ट्रू ये आपको बहुत अच्छे से देखना होता है ठीक है बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई क, शायद सही वाला पूछा होगा वो टिक करके आ जाते हैं नहीं इन वर्ड्स को काफी ज्यादा ध्यान रखना इनमें से पूछा जो कि गलत सब्सटेंस है दे आर सॉलिड एन आर आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एन आर ये हार्ट ये चीज एकदम करेक्ट है

इस क्वेश्चन का क्लियर हुए तीन क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लिए चलो अब देखो अब यहाँ पे जैसे हम थर्ड क्वेश्चन हमने करा यहाँ पे एक इंटरनल चॉइस गिवन थी बेटा और ठीक है और ठीक है और का मतलब आपको इसमें से या इसमें से चूज करना है कोई भी एक अगर आपको ये आता है आप ये करो अगर ये आता है तो ये करो ठीक है बट मैं आपको सारे करूंगी ठीक है न आइटम्स शेयर वन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स, दे बोथ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस जो क्लोरिन आइटम होता है ठीक है जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देगा ठीक है तो वो कौन सा क्या बोलते हैं कौन सा स्टेबल uh, कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा कौन से गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बताएगा जब दो क्लोरिन आइटम्स एक दूसरे को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे तो वो अपना एक ऑक्टेट बना लेंगे राइट तो ऑक्टेट आता है हमारा आर्गन में आर्गन की होती है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन टू एट एट तो ये एट किसका आर्गन का है ठीक है क्लियर ये हमने सॉल्व कर लिया फर्स्ट पेज हमारा डन है सेकेंड पेज पे आओ आइडेंटिफाई विच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब आइडेंटिफाई हमें करना है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कराने के बाद कौन सा इनमें से एलिमेंट है जो बनता है ऑक्सीजन बनता है नहीं नाइट्रोजन नहीं क्योंकि खुद ही में ओ टू है हाइड्रोजन है एन टू है ठीक है तो सोडियम क्लोराइड ठीक है एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव देख रहे हो शेयरिंग हो रही है ना अभी तो सोडियम क्लोराइड बनता है सोडियम क्लोराइड इज द करेक्ट ऑप्शन क्लियर चलो इसमें भी आपको बेटा आपको बट ये ये तो मैं आपको सारे कराऊंगी कंसिडर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन द फॉलोइंग मैनर ठीक है आपको कंपाउंड बनाने की भाई ये एक्स क्या है अब मुझे यहाँ पे क्या दिया गया है एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए एनी प्लस विल रियक्ट विदेटिव

जी की ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वेर क्लियर चलो अब इसको तो कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है ग्रेविटी का ऐसा SI यूनिट सीधा सीधा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चलो विच ऑफ दिन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इसमें से क्या सही नहीं है मतलब जो इनकरेक्ट है वो बताना है सोलर एनर्जी फॉर फूड ये तो है इलेक्ट्रिक बल्ब है फिजिकल एक्सरसाइज रेशियो केमिकल एनर्जी ऑफ फूडिटिक एनर्जी ये कुछ समझ नहीं आ रहा सो दिस इज दिन वर्क क्लियर बस रेट ऑफ डूइंग वर्क अब भाई रेट ऑफ डूइंग मतलब इन पर यूनिट टाइम वॉट वर्क यू डेड

चल अब हमने ये भी पेश सक्सेसफुली कर लिया अपने आपको पॉइंट्स देते रहो जो जो आंसर मेरे साथ सही दे रहे हैं ठीक है है चलो ऑफ नॉट अ डाइजेस्टिव ग्लैंड ग्लैंड कौन सा uh, uh, gland है जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में नहीं आता लीवर आता है ये क्योंकि लीवर सीक्रेट बाइल जूस ठीक है लीवर आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड यस गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टमक में होता है वो भी आता है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन यस इंटेस्टाइन की वॉल इंटेस्टाइन तो हमारा इवन साइट होता है ना है ना तो वहां पे तो होता ही है पैंक्रियाटिक एसिड ये आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड में नहीं आता सो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन क्लियर अब इसमें आपको भी चॉइस दी हुई है और इसमें से या तो आप ये वाला क्वेश्चन करो या आप ये वाला करो आपकी मर्जी सेकंड क्या बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर चारों ब्लड ग्रुप्स मुझे देती है एक दे दिया ए एक दे दिया बी एक दे दिया ए बी एंड एक दे दिया ओ इनमें से यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप क्या है हमने पढ़ा था याद करो आई गेस सबको जी के मतलब नॉलेज भी होगा जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है ठीक है यूनिवर्सल डोनर होता है ओ ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं क्लियर विच आर दस यूज कॉन्ट्रोसेप्टिव डिवाइस मेल कॉन्ट्रोसेप्टिव कॉन्ट्रोसेप्टिव डिवाइस है ना भाई वो डिवाइसेस यू नो जो कि प्रिवेंट करते हैं कराना, कराना. सेप्टिव डिवाइस so, बताओ ट्यूबकटोमी तो उसमें होती है फीमेल्स में ठीक है प्रॉपर्टी भी फीमेल्स में होती है सो so, वैसिक्स को जब बेटा मेल्स की वाज डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है ठीक है तो

सर्विक्स होते जो हमारे एक ही फीमेल बॉडी में एक ही लाइक यू नो दैट कैनल जिसको हम बर्थ कैनल भी बोल सकते हैं okay? तो प्लांट इनमें है, तो से. से कौन सा मेथड जो है वो आर्टिफिशियल नहीं है सिंपल बात ठीक है कटिंग आर्टिफिशियल है इंसानी तो काटता है लेयरिंग आर्टिफिशियल है good, आपके क्या है आर्टिफिशियल uh, है बडिंग बडिंग क्या होती है मान लो ये है ठीक है इनसे ऐसे बड़ निकल गया फिर ये कट जाके ये अलग हो जाता है तो ये क्या बेटा आपका नेचुरल मेथड है तो ये आपका आर्टिफिशियल में नहीं आता ठीक है आर्टिफिशियल में नहीं आता The following chemical reaction shows the fermentation of carbohydrate like glucose. So हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है C6H12O6 सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स एक्वर विच वेन इट विल रिएक्ट विद ईस्ट विद द प्रीसेंस ऑफ ईस्ट इट विल गिव एक्स एंड वॉट इज एक्स हियर

which one of the word root given in column 2 correctly matches the carbon atoms given in column 1 1 के लिए इथ नहीं 1 के लिए मिथ लगता है ठीक है सेकंड के लिए ब्यूट नहीं सेकंड के लिए इथ लगता है थर्ड के लिए प्रोप yes. ये correct है ये करेक्ट है सो ऑप्शन सी 3 के साथ बेटा हम जो वर्ड रूट लगाते हैं वो होता है आपका प्रोप ठीक है फोर्थ के साथ हम लगाते हैं आपका ब्यूट ओके क्लियर एकदम बेसिक पेपर है अगर आपने हमारे लेक्चर्स को जो मैंने ही पढ़ाए हैं लेक्चर्स को अच्छे से अगर देखा होगा ना रिविजन कर रहे हो आप नोट्स से थॉरेली तो आपको ये पक्का ये पूरा पेपर काफ़ी इजी लगने वाला है ठीक है एंड अगर नहीं देखे तो प्लीज देखो ओके सो अ फोर कार्बन कंटेनिंग कंपाइंड ब्यूटेन हैज ए फंक्शनल ग्रुप ठीक है एक फोर कार्बन है ठीक है चार कार्बन की चेन है मान लो ठीक है उनके पास एक ब्यूटेन है ठीक है सो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा ठीक ठीक है सी ओ, है सी ओ का ग्रुप उसके पास रहे जो रहे कि रहेगा आपका किटोन का क्लियर चलो द मॉलिपल फॉर्मूला ऑफ द सीरीज अगर आपने देखी होगी अच्छे से तो उसमें एच फोर्टीन आएगा

जो कूल एयर के ऊपर बेटा ग्राउंड लेवल से एक जब, एक जब एयर uh, की वो आती है ट्रैप आती आती है आती है लेयर हम उसको क्या बोलते हैं थर्मल टेम्परेचर का काम हो रहा है यहाँ पे तो थर्मल वर्ड है ना अब इसमें आपको चॉइस गिवन है और अब हम नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्साम्पल ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट प्रॉब्लम इनमें से क्या एग्जाम्पल नहीं है नेचुरल इन्वायरमेंट का ठीक है ये ये चीज आपके भाई नेचुरल हो जाती है अर्थ को एक नेचुरल सुनामी नेचुरल होती है फ्लड भी नेचुरल होती है बट ए फॉरेस्टेशन ए फॉरेस्टेशन आपका आर्टिफिशियल है ए फॉरेस्टेशन मतलब ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स अब मैच द कॉलम वन स्टेटमेंट विद द राइट ऑफ ऑप्शन ऑफ कॉलम टू ठीक है तो ये आपको दो कॉलम्स दिए हुए हैं मैच करो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर प्रेशर के कैसा यूनिट पास्कल ठीक है यूनिट ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर कैसा यूनिट

है ना कोबन बोलन का यही बॉन्डिंग का यही तो शेयर करते हैं एथाइल अल्कोहल प्रोड्यूसेस एच प्लस आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन नहीं एक्वस में नहीं करते सो इट्स अ फॉल्स क्लियर नेक्स्ट पे चलते हैं रीड द पैसेज एंड आंसर

हार्ट से ब्लड को कैरी करती है उसको क्या बोलते हैं हम आर्टरी आर्टरी क्लियर एंड फिर वो क्या करती है जो uh, हमारी जो ब्लड वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक जाती है उसको वीन्स एग्जैक्टली नसे वीन्स नेम द थिन स्ट्रक्चर्स दैट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ Materials between blood and tissues. Blood and tissues के बीच में बेटा जो uh, materials को exchange करने का काम कौन कर, कौन? करता है? Capillaries. कौन? Capillaries. Clear? चलो शाबाश. नेक्स्ट करें क्वेश्चन ट्वेंटी टू आपको क्या दिया हुआ है Passage दिया हुआ. क्या बोल रहे हैं

इसमें बताया गया है कि क्या है एग्जांपल uh, है ठीक है अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा पर्स क्या बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसटीडीज इनमें से कौन सी चीजें जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस नहीं है साइफिलिस है गोनोरिया है एड्स भी है गोइटर नहीं है गोइटर तो थायराइड के उससे होता है ना गले की चीज है वो ठीक है

l b r i and at are the non-metallic elements called halogens i mean ko halogens will true metallic character increases in a period from left to right true 1 picometer is equals to 10 to the power minus 12 meter this is also true if the electronic configuration of element is 281 then it is a non-metal no it's a metal yaar.

क्लोज इंट्रेक्शन बिटवीन टू और मोर डिटर्ग डिफरेंटी कैसे इंट्रैक्शन होते हैं बिटवीन टू और मोर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बच्चे ऑफ डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है ठीक है हम उसको क्या बोलते हैं सिम्बायोसिस बोलते हैं नेक्स्ट द डैश रेट ऑफ अशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइंग पर थाउजेंड पर लोगों की मरने की जो क्षमता होती है हम उस रेट को क्या बोलते हैं मोर टैलिटी मोर रेट ठीक है द Nitri. प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन व्हाट नाइट्री नाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन क्या होता है एक ऐसा बेटा ये प्रोसेस होता है जिसमें हम अमोनिया को नाइट्राइट्स में चेंज करते हैं ठीक है तो नाइट्राइट्स से आपको समझ आ गया नाइट्रिफिकेशन ठीक है

ठीक है उनके पास बहुत मोटी सी लेयर होती है उनके अथिक लेयर होती है उनके बॉडी पे उसके अंदर वो अपना फैट को स्टोर करते हैं ठीक है थीके? हम आई गेस ऊट पे होता है ना पॉपुलेशन ग्रोथ का अवसर आई जे शेप्ड और एस शेप्ड ये भी हमने पढ़ा था कि जो पॉपुलेशन ग्रो होता है ग्रोथ होती है आपकी या तो वो जे शेप्ड होती है या तो वो एस शेप्ड होती है ठीक है उसके बाद एबायोटिक कॉम्पोनेट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच इंक्लूड प्लांट्स एनिमल माइक्रो माइक्रोगनिज्म इकोसिस्टम फॉल्स एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग राइट बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स

इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन द क्लियर उसके बाद ये क्या है अब उसको आ, क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ पे एक जी आ जाता है जी क्या होता है बेटा एक कॉन्स्टेंट होता है ठीक है हम इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं ठीक है ठीके? ये हर एक जगह पे इसकी वैल्यू जो होती है वो आपकी सेम रहती है ठीक है तो जी द वैल्यू ऑफ जी इन ऐसा यूनिट वैल्यू ऑफ जी कितनी होती है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेसिटा माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस टू क्लियर बस अब हमने पढ़ लिया क्वेश्चन देख लेते क्या है, बताना है हमें तो फोर्स मुझे पता है, M G होता है. तो यहाँ पे मास रखा है आपका टू थाउजेंड इंटू जी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको एट पॉइंट समथिंग ठीक है वो जो आपको वैल्यू दी हुई है उसको मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा बच्चे वो आएगा आपका वन नाइन सिक्स टू जीरो न्यूटन व नेक्स्ट चलते हैं टू स्पेर इतना एक spherical object का मास इतना है एक का इतना है ठीक है उनका जो ग्रेविटेशन ऑफ अट्रैक्शन है बीच में वो कितना है 65 Newton. How far apart are their centers? मतलब इसमें टोटल मतलब मान लो आर निकालना है डिस्टेंस निकालना है ठीक है तो मुझे पता है भाई जो मेरा फोर्स होता है वो आपका जी एम वन इन एम टू अपॉन आर होता है आर स्क्र मुझे निकालना है तो मैं इसको यहाँ ले जाऊंगी ठीक है में एफ ठीक है अब आप आप एफ की वैल्यू लिखो एफ की वैल्यू कितनी है जी की वैल्यू आपको गिवन है एट पॉइंट समथिंग फिर उसके बाद मास वन की वैल्यू ये है मास टू की वैल्यू ये है अपॉन में न्यूटन आपका जो फोर्स है वो सिक्सटी फाइव है सबको अगर सॉल्व करोगे तो आपको पूरा वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट फोर फाइव इन टेन रेसिटी पावर टू मीटर अब ये दो क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप सॉल्व कर ही सकते हो न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस हो जाएगा क्लियर मैंने सारा बता दिया बस वैल्यू पुट करके आंसर करना है बस मल्टीप्लाई करना है दैट्स इट नाउ जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट क्यों बोलते हैं इट वैरी इट वैल्यू वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस नहीं इट वैल्यू इज सेम एवरीवेयर ऑप्शन बी कि भाई हर एक जगह पे जो जी की वैल्यू है जो कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट रहती है सेम रहती है ठीक है चलो द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन एम वन एंड एम टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डबल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम नहीं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम ठीक है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना आपका जो आपका फोर्स होता है वो आपका अपॉन है ना तो F जो आपका inversely proportional है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ठीक है रेडियस के ओके ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी एट आपको इस पैसेज को रीड करना है कि आपको एक सर्किट डायग्राम गिवन है

फॉर गेटिंग सीवर शॉक क्लियर ये हो गया नेक्स्ट पूछा है अब ये इसका सिंबल क्या है सीधा सीधा रेजिस्टेंस है, है ना ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल होता है विच लॉ दबक सॉकेट अब इसमें क्या है यार रेजिस्टेंस की बात की गई है आर है यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई किया गया कौन सा लॉ ओम्स लो ठीक है ओम स्लो Which one of the following is a unit of electrical energy? Energy की unit क्या होती है? Heat की energy की unit same होती है. क्या होती है बेटा? Joule होती है. क्या? Joule. Okay? Joule. For the verification of Ohm's law in laboratory, which of the following items are required? अगर मुझे Ohm's law को बेटा lab lab में perform करना है, तो मुझे क्या क्या चाहिए? Cell चाहिए, key चाहिए, resistance चाहिए, wire चाहिए, voltmeter चाहिए, ammeter चाहिए. ठीक है? ये सारी मुझे चीजें चाहिए होती है. क्योंकि यार मुझे पता है ना बीज इक्वल्स टू आई आर होता है तो वी के लिए मुझे वोल्ट मीटर चाहिए आई के लिए मुझे एमीटर चाहिए ठीक है आर मुझे चाहिए फॉर रेजिस्टेंस और ऑफ कोर्स उनको कनेक्ट करने के लिए मुझे वायर चाहिए की चाहिए एंड मुझे सेल भी चाहिए है ना दिमाग वाली बात है बस चलो फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है आपकी जूल पर कोलाम ठीक है हाउ मच वर्क डन टू मूव अ कोलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर

एन ए टू ओ ठीक है अब इसको मुझे क्या करना है यहाँ पे लिखा है बैलेंस भी करना है ठीक है अब बैलेंस के लिए मुझे पता है यार यहाँ पे मेरे पास टू एन ए भी है और यहां पे टू ओ भी है तो यहाँ पे मुझे टू लगाना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा फोर एन ए प्लस ओ टू बिल्कुल टू एन ए टू ओ क्लियर फोर एन ए प्लस ओ टू विल गिव एन ए टू ओ क्लियर ये हो गया आपका फर्स्ट वाला समझ आया नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं आयरन uh, को मुझे रिएक्ट कराना है विद स्टीम मतलब एफपी को मुझे कराना है स्टीम मतलब वाटर के साथ रिएक्ट ठीक है वाटर के साथ रिएक्ट कराना है आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो एफ पी थ्री ओ फोर प्लस एच टू क्लियर एच टू इसके साथ हो जाएगा तो ये ओ फोर हो जाएगा एफ पी अब मुझे क्या करना है इसको बैलेंस ठीक है सो क्लियर देखो एफ एफ थ्री प्लस फोर एच टू ओ विल गिव एफ थ्री ओ फोर प्लस फोर एच टू ठीक है FE दो क्वेश्चन हो गए अब हमारे पास है और हमारे पास चॉइस है या तो ये करो या तो सिंपल ये करो क्या बोल रहे हैं व्हाट इज रस्ट

फॉर्म ऑन आयरन आयरन में फॉर्म होता है ये। एंड क्या कंडीशन चाहिए उसको प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर अच्छा रहेगा ना एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मॉइस्चर के प्रेजेंस में आयरन के ऊपर आ जाती है आपकी रस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं जल्दी जल्दी करते स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ठीक है सबसे पहले हमें ए स्टोन तो प्रोपेन, प्रोपेन भी होता है ठीक है ए क्या होता है सी थ्री एच सिक्स ओ सी थ्री एच सिक्स ओ अब इसका जो आपको स्ट्रक्चर है वो आप खुद मुझे बना के दिखाओगे ठीक है वो आप खुद बना के उसके बाद क्या पूछ रहे हैं राइट टू पोस्टुलेट्स आपके पास दो पोस्टुलेट्स आपको लिखनी है बोर्स मॉडल की जो कि नीर बोर्ड ने दी थी ठीक है उनके आपके दो पोस्टुलेट्स आपको लिखने हैं ठीक है राइट टू पोस्टुलेटो बाय नील बोर एंड बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम ओके okay, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या पोस्टुलेट्स दिया था उन्होंने फर्स्ट ये लिख सकते हो कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक मॉलिक्यूल के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे मूव करते हैं ठीक है एंड सेकंड चीज क्या दी थी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वन ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव कर सकता है बाय एब्जॉर्बिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी सो फर्स्ट लिख देती हूं मैं पोस्टुलेट कि भाई अ एटम मूव इन अ फिक्सड ऑर्बिट ऑफ अ मॉलिक्यूल सेकेंड की इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर कैसे बाय अब्सॉर्बिंग एनर्जी क्लियर हुआ वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन और बिट टू अनदर एनर्जी को करके क्लियर ये हो गया आपके दो पोस्टुलेट्स आगे तो बढ़ते हैं आगे मुझे क्या पूछा है एक्सप्लेन अवर पर्सन कैन गेट रेड ऑफ सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी जब हम एसिडिटी हो जाती है हम कैसे कर सकते हैं रेड दो मार्कर है एक पॉइंट लिख दो क्या अवॉइड Avoid... स्पाइसी uh, spicy... एंड ऑयली फूड सेकेंड ड्रिंक ट्वेंटी ऑफ व ठीक है नेक्स्ट वट इज अ सोलिनोइड सोलिनोइड क्या होता है हमें वो बताना है ये डन हो गया समझ आया चलो क्या पूछ रहे हैं वट इज अ सोलिनोइड सोलिनोइड क्या होता है सोलिनोइड क्या होता है एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसमें कॉइल रहती है जो कि वायर वाउंड रहती है इन सिलेंड्रिकल शेप एंड जब इसमें करेंट पास होती है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है ठीक है सो इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अइल वाउंड विद वायर वेन करेंट पास थ्रू वेट इट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड ठीक है एंड इसका स्केच बोला बनाने के लिए वो आप बनाना है कॉइल रहती है वायर ऐसे रहती है ऐसे थोड़ा ऐसे होता है स्ट्रक्चर समझ आया नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक जनरेटर अब इसमें आपको चॉइस दी गई है ठीक है इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है और उसके दो टाइप्स के नाम बताओ, ठीक है so, सो ये कैसी आ, आपकी क्या बोलते हैं कैसा डिवाइस होता है इट इज अ डिवाइस सेकेंड पार्ट इट इज अ डिवाइस दैट चेंज मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल फर्स्ट एक टाइप होता है इसका एसी और डीसी फर्स्ट एक टाइप होता है एसी जनरेटर सेकेंड होता है डीसी जनरेटर क्लियर डिफाइन रेगुलेशन देखो रेगुलेशन क्या एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइसिस का बैलेंस रखते हैं इन देयर बॉडी ठीक है फर्स्ट में अगर बताऊं तो प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टे बैलेंस ऑफ वॉटर एंड इलेक्ट्रोलिजिस ऑफ देर बॉडी अपने बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलिजिस एंड वॉटर का बैलेंस मेंटेन करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन वे अगर मैं बेटा डायलिसिस की बात करूं तो डायलिसिस एक मेडिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं हमारी बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करते हैं ठीक है अब अगर मैं डायलिसिस की बात करूं इट इज मेडिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक चीज और देख सकते हो एड एक्सेस फ्लूइड्स फ्रॉम बॉडी एंड एक कब होती है वेन किडनी डॉपरली जब किडनी डजेंट वर्क प्रॉपरली एक पर्सन की बॉडी में तो डायसिस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकाला जाता है एक पर्सन की बॉडी में से क्लियर हुआ

क्या क्या है बेकिंग सोडा सोडाच पोटेशियम बाइकार्बोनेट तीन कंपाउंड हो गए ठीक है क्वेश्चन थर्टी सिक्स पे आ जाओ अब क्या बोल रहे हैं राइट दॉलिकुलर फॉर्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ठीक है मॉलिकुलर फॉर्मूला पी एल टू वॉट पी एसीएल टू एंड केमिकल नेम सोचो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट वॉट कैल्शियम हाइपोक्लोराइट देखो कैल्शियम है हाइपोक्लोराइट कैल्शियम हाइपो क्लोराइट ठीक है कैल्शियम डन नेक्स्ट बढ़ो नेम द टू मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ये सब हर एक चैप्टर के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं ठीक है नेक्स्ट चलो राइट द केमिकल इक्वेशन दैट प्लेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ठीक है क्या होता है सी एल टू प्लस सी ए सी एल टू विल गिव क्या देगा सी ए सी एल टू ठीक है क्या मुझे ठीक है अब को मुझे क्या करना है सो so, मुझे दिया गया मास ऑफ अर्थ है इतना एंड अर्थ का रेडियस है इतना मास ऑफ द अर्थ आपको गिवन दे, दे, दे दिया गया है ठीक है एंड रेडियस भी आपको दे दिया गया है ठीक है तो स्मॉल जी की वैल्यू जी

रेडियस दिया है आपको ये की की पावर 6 6. 10 की पावर स्क्वायर है ना तो मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है अब आप जब इसको न्यूमिनेटर को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा फोर जीरो फोर फोर इंटू टेन की पावर थर्टीन एंड अगर मैं फिर डिनोमिनेटर को अगर मैं सॉल्व करूँ तो फोर्टी पॉइंट नाइन सिक्स इंटू टेन की पावर ट्वेल्व अब अगर मैं इसको कट कट वट करूं तो क्या आ जाएगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है ओके नाउ एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम द हाइट एंड रीचेज ग्राउंड इसके जगह नहीं तो आपको ये वाले तीन कर लेना है ठीक है क्या बोल रहे हैं अगर एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है फ्रॉम अ हाइट एंड ग्राउंड पे वो पहुंच रहा है इन 0.56 सेकंड्स इन जी को मुझे लेट करना है ये 10 ठीक है तो क्या स्पीड होगी ठीक है क्या स्पीड होगी सबसे पहले अगर मैं ए पार्ट करती हूँ ठीक है तो मुझे क्या पूछा है पहले बोर्ड देखो क्या पूछा मुझे स्पीड बोल रहे ठीक है तो अब स्पीड को निकालने के लिए हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं विजिकल्स टू यू प्लस ए होता है बट हम यहाँ पे जी लिखेंगे ठीक है इनिशियल वेलोसिटी मुझे नहीं दी गई जीरो ठीक है जी मुझे दे रखा है टेन इंटू टाइम कितना दे रखा है मुझे जीरो पॉइंट फाइव क्लियर जीरो प्लस टेन क्या आ जाएगा फाइव फाइव मीटर पर सेकेंड फाइव मीटर पर सेकेंड उसके बाद उसके बाद क्या पूछे बी को बोर्ड दिखना चाहिए बस मेन ठीक है बी क्या पूछा आपको स्पीड एवरेज स्पीड निकालनी है ठीक है एवरेज स्पीड निकालनी है अब एवरेज कैसे निकालते हैं इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन टू ठीक है 2, अब इनिशियल स्पीड कितनी है जीरो फाइनल स्पीड कितनी है फाइव अपॉन टू फाइव बाई टू कितना टू पॉइंट फाइव

ठीक है अब पूरा जब आप सॉल्व कर लोगे क्या हो जाएगा जीरो इंटू वन बाई टू इंटू में अभी इनको करो, करो तो, अब इनको सॉल्व करो करोगे तो जीरो पॉइंट टू फाइव अब यहाँ हो जाएगा आपका वन बाय टू इंटू टेन इंटू जीरो पॉइंट टू फाइव विचे वन पॉइंट टू फाइव मीटर क्या हो जाएगा वन पॉइंट टू फाइव मीटर क्लियर अब न्यूरोन बनाना है आपको न्यूरोन सेल हमने देखा था नर्व सेल पढ़ा था उसमें हमने न्यूरोन सेल देखा था राइट अब आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है वो तो मैं बनाऊंगी नहीं आप खुद से उसको प्रैक्टिस करना बना के डायग्राम ठीक है चलो इसमें बोल रहे हैं या तो आपको और करना है मेनली हार्मोन रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है उसका क्या नाम होता है थायरोग क्या एंड फंक्शन फंक्शन में है ना मेंटेनिंग मेंटेन मेटाबॉलिज्म नेक्स्ट डिफाइन हाइपर थाइरोइडिज्म हाइपर थाइरोडिज्म मतलब जिसमें क्या होता है ओवर प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन ऑफ थाइरोक्साइड एंड हाइपोथाइडिज्म मतलब नॉट इनफ ऑफ इनफरोक्साइड ठीक है वैट दफ अक्स डिनेशन इन वुमन ठीक है फ्रॉम मेल एक्स एक्स फ्रॉम फीमेल एक्स वाई एक्स गमीट इट विल गुज होता है ठीक है ट इज मेन्ट बाई पॉपुलेशन डिस्पर्जल ठीक है पॉपुलेशन डिस्पर्जल मतलब लोगों का आना लोगों का जाना दाइग्रेशनो ट्रेवल you know, लिख सकते हो दूवेंट लिख सकते हो दूवेंट ऑफ ऑर्गेनिजम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज पॉपुलेशन डिस्पर्जल दो टाइप्स होते हैं इेशन इमग्रेशन ई वाला ई माइग्रेशन से ई फॉर एग्जिट मतलब अपने कंट्री से दूसरे कंट्री पे जाना ठीक है इमाइग्रेशन मतलब दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में वापस आना क्लियर हुआ ये होता है स्टेट द टर्म बायोमैग्निफिकेशन बायो बायो अब इसको लिखवाने की क्या नीड है सीधा एक्सप्लेन कर दिया है ना अब बायो बायोमैग्निफिकेशन देखो बायोमैग्निफिकेशन मतलब प्रोसेस बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंक्रीज इन द टिश्यूज ऑफ ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच सक्सेसिव लेवल फूड चेन इसमें क्या होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो जो फूड में इन्वॉल्व होते हैं बेटा वो एक चेन से दूसरे चेन पे जाते हैं इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन डी टी टीज यूजली यूज फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन हाउट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ पेलिकन बर्ड्स ठीक है हम डी टी टी को यूज करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए बट ये क्या करती है पेलीगन बर्ड्स को हार्म पेलीकन बर्ड्स को हार्म कर देते हैं क्यों क्योंकि डी टी टी कंटेन्स वेरी हार्मुल इफेक्ट्स विच हार्म द पेलीकन बर्ड्स क्लियर नेक्स्ट डिफाइंड डिस्पोर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ ग्लासप्रिज्म ग्लास प्रिज्म से डिस्पोर्जन ऑफ व्हाइट लाइट कैसे होती है क्यों होती है हमें वो लिखना है ऐसा फिनोमिनियन है जिसमें व्हाइट लाइट जो होती है ना वो बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कलर से क्या हो जाती है बेटा सेपरेट हो जाती है इट इज अ फिनोमिन इन विच वाइट लाइट सेपरेट फ्रॉम दिटेंट कलर इन इन द प्रिजम ठीक है एंड जब वो एक प्रिज्म से पास कराते हैं हम तो हमें व्हाइट लाइट अलग ही शो होती है क्योंकि वो अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूट फिर आपको इसको भाई ड्रॉ करना है एक प्रिज्म बना के लाइट्स को शो करना है ठीक है लीस्ट बेंड कलर लीस्ट सबसे लीस्ट बेंडिंग कौन से कलर की होती है बेटा सबसे लीस्ट बेंडिंग होती है आपकी रेड कलर की एंड सबसे मोस्ट होती है आपकी वायलेट की क्या सबसे लीस्ट होती है आपकी रेड की मोस्ट होती है आपकी वाइलेट याद रखना प्रिज्म शो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट एक जो प्रिज्म है वो व्हाइट लाइट के डिस्पर्जन क्यों शो करती है क्योंकि उनके जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस आता है ना बेटा जो कलर्स के वेवलेंथ होते हैं जो व्हाइट लाइट होती है जैसे ही वो प्रिज्म में एंटर करती है वो अपना स्लो डाउन कर देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या है मैम हमें समझ नहीं आया देखो प्रिज्म के अंदर बेटा बहुत सारे कलर्स आते हैं ठीक है सारे कलर्स के अलग अलग होते हैं जैसे कि वाइट वाइट जैसे ही हमें स्लो डाउन करता है बेंड कर देता है एंड इसी से, से हमारा मीडियम जो होता है वो अपने मीडियम को चेंज कर देता है एयर से एयर के थ्रू आ रहा है ना लाइट वो फिर वो ग्लास में अपना चेंज कर देता है क्लियर नेक्स्ट हमारे पास और का एक ऑप्शन आ जाता है ठीक है हमारे पास डायग्राम है बेटा डबल डबल कन्वेक्स प्लानो कन्वेक्स डबल कनकेव एंड है डबल कन्वेक्स कैसे बनेगा डबल कन्वेक्स बनेगा ऐसे ये होता है आपका डबल कनवेक्स डबल कन्वेक्स समझ आया मतलब जो ऐसे दो तरफ बाहर के साइड हो हम इनको बोलते हैं डबल कन्वेक्स ठीक है फिर भाई अगर मैं प्लानो कन्वेक्स की बात करूं तो ये आपका बनता है कैसे डी की तरह ऐसे ठीक है डबल कनकेव की अगर मैं बात करूं तो दो केव बना दो ये

अब हमें क्या अब हमें बात करनी है लास्ट है बस हमारे कुछ क्वेश्चन गुछ है दो क्वेश्चन लास्ट है पांच पांच नंबर के ठीक है बेटा क्वेश्चन फोर्टी थ्री क्या बोल रहा है मॉडर्न टेबल के पार्ट बेटा ग्रुप ए के ये पार्ट से ग्रुप बी के ये पार्ट से ठीक है थीके? हमें सी ए का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देना है ठीक है सी ए का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है आपका टू एट एट टू टू एट एट टू ठीक है अब पोटेशियम में कितने रहते हैं बेटा वन उनके जो वैलेंस है वो वन रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिर्फ रहते हैं वन रहतेशन में ठीक है फिर एन अब सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो उसके आ, टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने होते हैं सोडियम के पास ये जो है उसके पास ऐसे तीन शेल्स रहते हैं टू एट एट ऐसे बनाता है वो एट ठीक है मैं एक बार यहाँ लिख दे तो आंसर टू एट एट टू इसका आंसर है आपका वन इसका आंसर है आपका थ्री थ्री शेल्स होते हैं आपके सोडियम के पास क्लियर नाउ स्टेट वेदर आरबी इज अ मेटल और नॉन मेटल मैम सबसे पहले बता दो आरबी है क्या आरबी होता है बेटा रूबीडियम ठीक है क्या होता है रूबीडियम रूबीडियम में क्या होता है बेटा आपका एक मेटल होता है ठीक है रूबीडियम एक मेटल होता है ठीक है नाउ आउट ऑफ Na Li एंड Be and Mg व्हिच हैज द बिगेस्ट एटॉमिक इन साइज बिगेस्ट एटम किसका होता है बेटा biggest एटम होता है आपका Na का ठीक है

Same number of, we dekho, we elements of, आ, ये तो कर दिया हाउ डज दिलीमेंट वेर इन पीरियड विद इंक्रीज इन अटोमिक नंबर ठीक है क्यों अटोमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज होते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट right जाते हैं तो अटोमिक नंबर जो है ए एन जो है वो मेरा डिक्रीज होता है ठीक है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं बच्चे तो अटोमिक नंबर जो होता है वो मेरा डिक्रीज हो जाता है एंड जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाते हो क्रॉस अ पीरियड विद एन इंक्रीज इन अटोमिक नंबर बिकॉज ये आपका न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज कर देता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो अटोमिक नंबर भी आपका इंक्रीज हो जाएगा जब आप राइट टू लेफ्ट जाओ इसी का उल्टा कर दो क्लियर अब और वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं और हमें क्या बोला है द मॉडर्न बीन इन्वॉल्व थ्रू ऑफ डोबरी अटेम्प्टोरीन बिलीव दिस वन एडवांटेज एंड वन लिमिटेशन अब ध्यान से बोल रही हूँ मैं ध्यान से सुनो ठीक है सबसे पहले डोबरीन की ट्राइड्स के बारे में बात करूं मैं तो एक एडवांटेज बनाती है हमें सबकी एक लिमिटेशन बनाती है ठीक है एक एडवांटेज ये था कि उसने भाई सेम जिनके प्रॉपर्टीज सेम थे ठीक है उन एलिमेंट्स को उन्होंने एक साथ कर दिया था ठीक है बट इसका एक लिमिटेशन ये है कि ट्राइड्स जो है वो कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में ही वर्क कर पाई समझ आया उसके बाद अगर मैं न्यूलैंड ऑप्टेड की बात करूँ तो ठीक है इनका ये था कि उन्होंने सारे जो थे प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व uh, करके आर्ट एलिमेंट्स के ऑप्टेड बनाए थे क्लियर एक लिमिटेशन इसकी ये हो जाएगी कि एक लिमिटेशन ये है कि भाई ये जो लॉ आई है फर्स्ट सिक्सटीन एलिमेंट्स तक ही काम आया उसके बाद ये आगे नहीं चल पाया फिर मैंडलीव की अगर मैं बात करूं तो मैंडलीव का एक एडवांटेज ये था कि उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था पहले ही उन्होंने अज्यूम कर लिया था कि भाई किस जगह पे कौन सा एलिमेंट आएगा राइट उसके बाद फिर अगर मैं बात करूं लिमिटेशन की तो लिमिटेशन की बात ये थी कि उन्होंने एलिमेंट्स को अटोमिक वेट से अरेंज कर दिया था जैसे कि उन्होंने आई uh, को मतलब आयोडीन को उन्होंने बिलेरियम के पहले अरेंज कर दिया था उन्होंने वेट से अरेंज कर दिया था क्लियर समझ आया एडवांटेज लिमिटेड नाउ डिफाइन नंबर जेड ऑफ एन एलिमेंट एक अटोमिक नंबर जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ठीक है जेड इज द नंबर ऑफ एलिमेंट क्लियर उसके बाद स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है ये ऐसा है इट स्टेट्स दैट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके एटॉमिक नंबर का फंक्शन होता है दिस मींस दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इन ऑर्डर इंक्रीजिंग एटम्स सो जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी वो भी आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी ठीक है मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स आपके जो इनकी प्रॉपर्टीज है तो उनके जो मॉलिकुलर नंबर होंगे वो भी सेम फंक्शन शो करेंगे क्लियर बस सो so, इसी के साथ वी कंप्लीटेड दी पेपर हमने एक अच्छे से सारे डिटेल में सारे आंसर्स को uh, समझा है एंड सॉल्व किया है आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी एंड आपको पेपर पैटर्न अच्छे से पता चल गया होगा एंड आप सबके पॉइंट्स भी अच्छे आए होंगे सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग।